मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा हवाई। एक और बोल दो, चलो एक और बोल दो ताकि लगे कि तुम्हें बाइक साथ में। एक और तो कितने सही है। अच्छा आप गिर जाओ कुर्सी ना। चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर करते हैं क्या 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 कैसे 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 करना है। तो अभी जो है मैं किचन में आ गई हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी से चाय बनाने, फिर चले मैं चाय पी के आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे न्यू ईयर की क्या ज़बरदस्त किस्म की तैयारी शुरू कर दी है पार्टी की, और कितने खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने कार्ड्स बनाए, बहुत प्यारे कार्ड बच्चों ने खुद बनाए तुम लोगों ने। जी अच्छा, बहुत प्यारा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा। तो ये कब लगेगा? कल लगेगा जी। चलो मेरे पास भी जो डेकोरेशन का सामान है मैं अभी ला के तुम्हें दे देती हूँ। ठीक है ठीक है। तो बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत प्यारा। यहाँ पे ये हुआ कि जैसे ही मैं किचन में आई ना, तो उसके बाद मैं चाय बना के ले गई तो आवाज़ आने लगी यहाँ पे चूल्हा बंद करने पे, तो गैस जो है वो लीक हो रहा था यहाँ पे। और फिर जब राहिल आया तो देखें उसने चेक किया यहाँ पे, तो इस तरीके से गैस जो है वो ऑटोमेटिकली बंद करने पर भी पाइप लाइन जो है ना वो आग पकड़ रही थी नीचे ही नीचे, तो ये तो ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन खैर राहिल ने देख लिया तो यहाँ पे कुछ मैजिक वगैरह लगा के इसको ना ठीक कर दिया है। तो मैं जैसे ही आई हूँ वैसे ये मतलब आवाज़ें आनी शुरू हुई, तो आज मैं भी जल सकती थी, मामा कोई भी आता वो जल सकता था, तो इसमें ब्लास्ट हो सकता। खैर चलें जो भी, ये काम हो गया और अब हम तैयार होने लगते हैं। भाई को सलामत रखे, उसने जो है इस काम को कर दिया और हमें मतलब बचा लिया और इसको ठीक ठाक उसने कर लिया। बस अल्लाह मेरे भाई को लंबी उम्र दे और उसको सलामत रखे, आमीन। चलिए जी जल्दी से केक मैंने कर लिया और अब मैं इसको बेक करने जो है वो रखती हूँ जब तक और काम करते हैं। जो है यहाँ पे बेक हो चुका है और अभी जो हूँ मैं मामा के साथ जा रही हूँ कुछ घर की पार्टी की शॉपिंग वगैरह करने, कुछ सामान वगैरह लाने, तो चले कि आपको भी साथ लेके चल दूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ पे एक पार्टी शॉप में आई हूँ जो कि मेरे अपार्टमेंट के नीचे है, और बड़ी कोई खूबसूरत सी ये वाली शॉप है। तो चलिए फिर फर्स्ट टाइम मैं इनकी शॉप में आई हूँ आज, तो देखते हैं फिर इनके यहाँ कौन कौन सी पार्टी की यहाँ पे चीज़ें, और फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ शॉप कैसी है बाहर से। तो इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी यानी अट्रैक्टिव सा इंटीरियर रखा हुआ है एंट्रेंस, तो चलिए फिर अंदर जो है मैं आ चुकी हूँ। तो काफ़ी मतलब अच्छी अच्छी सी चीज़ें और तमाम चीज़ें जो है वो पार्टी से रिलेटेड हैं, बर्थडे की थीम की तमाम चीज़ें हैं, कैंडल्स हैं और भी मतलब तमाम चीज़ें मुझे यहाँ पर बड़ी प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट सी दिख रही थी। इस शॉप से जो है सिर्फ मैंने कैंडल ली, उसके बाद जो है हम लोग चले गए दूसरी शॉप पे, और ये मैं आ गई यहाँ पे प्लास्टिक की शॉप पे। इनकी शॉप पे मैं अक्सर आती हूँ, मुझे कोई भी डिस्पोजेबल चीज़ लेनी होती है, प्लास्टिक की कोई चीज़ लेनी होती है, तो मैं यहीं से लेती हूँ। इनके यहाँ ना होलसेल रेट में तमाम चीज़ें जो मिल जाती हैं और जिस तरह की चाहिए होती है उस साइज़ में हर चीज़ें मतलब मिल जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो बलून्स भी मुझे लेने थे, तो कौन से वाला बलून लूँ, और मैं सोच रही थी ये रेड और ब्लैक वाला लूँ या ये लाइट कलर वाला बलून लूँ, तो फिर मैंने खैर ये लाइट वाला ले लिया। और इसके बाद जो है हमने यहाँ से ये ख़रीदा, और अब जो है हम लोग जो है मैं और मामा जो है अब जाने लगे हैं बिरयानी लेने, क्योंकि आपको पता है आज गैस का मसला हो गया था जिसकी वजह से खाना जो है वो घर में नहीं बन पाया, चूल्हा बनने में टाइम लग गया, फिर मैंने केक बनाया उसमें टाइम हो गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग मक्का बिरयानी आ गए थे, तो यहाँ पे जो है हम लोग बिरयानी लेने लगे, और इनकी बिरयानी जो है बहुत दिनों के बाद आज हम ट्राई करने वाले, मतलब कि नहीं कुछ तो आज से 7 से 8 साल पहले हमने इनकी बिरयानी जो है वो ट्राई की थी, और अब जो है हम अगेन इनकी बिरयानी जो है लेने वाले हैं, तो फिर मैं टेस्ट करके हम आपको बताएंगे कि कैसी थी इनकी बिरयानी। और वैसे खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही थी, बहुत मतलब गर्म गर्म सी बिरयानी, और चावल भी बड़े अच्छे अच्छे खिले खिले से लग रहे थे। यहाँ पे जो है हमारे बिरयानी का पैकेट जो है 5 प्लेट हमने लिया और वो पैक हो चुका है, और दुकान का जो है मैं आपको और चीज़ें भी दिखाती हूँ इनके क्या क्या बनता है। तो इस तरह से जो है सालन वगैरह इनके यहाँ रखा हुआ था, खैर कभी आएंगे तो फिर ये भी ट्राई करेंगे। तो ये देख लेंगे मक्का पकवान है, ये हाजी पकवान से जो है पहले है। उसके बाद जो है मैं और मामा जो है वो घर की तरफ आने लगे थे, फिर रास्ते में जो है मुझे सबीका के लिए मेहंदी लेनी थी क्योंकि मुझे उसको मेहंदी लगानी थी और वो हर साल मेहंदी लगाती है, तो मैंने कहा चले जी मेहंदी ले लेते हैं उसके लिए। देख तो चुके हैं आप लोग के मारिया वहाँ पे मम्मा के साथ शॉपिंग कर रही है, और मैंने यहाँ सोचा कि मैं उन लोग के आने से पहले जल्दी जल्दी शावर लेके फ्रेश हो जाती हूँ, फिर जल बच्चे जो है ना बच्चे एकदम टाइम नहीं दे रहे, थोड़ी थोड़ी देर पे बेल बज रही है, आ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, नहीं हो रहे हैं कि हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। आप लोग को अगर आवाज़ आ रही होगी तो अभी भी बेल बजा रहे हैं। तो
चलने पर मारिया आती है तो फिर मैं बताती हूँ कि क्या क्या हम लोग कर रहे हैं। आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को हमारी जो है गैस वो 8 बजे चली जाती है, तो फिलहाल अभी लाइट भी गई हुई है, जनरेटर पे हम लोग जिंदा है। तो मारिया आज हमारी दे दे क्या ये लाइट दिखा ये हाँ कहाँ से लाई हो? मक्का पकवान से ये लेकर आई है, डाली है। हाँ वीडियो मारिया ने डाल दी है, तो चले अब हम लोग बिरयानी खाते हैं फिर आप लोग को बताते हैं। बहुत बुरा लगता है मुझे, मेरे बचपन की बदमाशियां याद दिलाते हो तुम लोग मुझे। मम्मा की कसम मुझे बहुत बुरा लगता है। सभी क्या ऐसे बोलते हो? मुझे बहुत बुरा लगता है मेरे बचपन की बदमाशियां। मम्मा की कसम मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे बचपन में मुझे याद है मैंने क्या क्या किया, इसे मैं नहीं फेस करना चाहती। केक अभी मैंने बना के इसको ना फ्रिज में रख दिया है सेटल होने के लिए, फिर जब तक ये सेटल होता है फिर उसमें मैं डेकोरेशन करूँगी पाइनएप्पल वगैरह की। और अभी जो है सबिका आ गई है यहाँ पे लाइट लगा सेटिंग वगैरह रह गई है तो लाइट्स लगा देते हैं, क्योंकि ये लाइट्स तो खैर डेकोरेशन के टाइम ही हमें लगानी थी, लेकिन ये वाली लाइट ना हमें मिल नहीं रही थी। वो फिर बैटरी वाली मिलती है ना फिर मसला करती है, तो फिर मतलब बैटरी ख़त्म हो जाए फिर उसका क्या करना है ये वो। तो खैर ये वाली लाइट कल इलेक्ट्रिशियन की शॉप पर मुझे बिजलियाँ मिल गई जो ये शादी के घरों में लगती हैं, तो इसको जो है सेटल करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। पैनल जो है सारी लाइट्स जो हैं वो लग गई सभी का। अब तुम्हें आ रही है न्यू ईयर वाली वाइफ, अब तुम कैसे उतरोगी? अब उतरो तो उतरो, जंप लगाओ जंप लगाओ जंप लगाओ। चलो जंप लगाओ जंप लगाओ, जीते वाले हिल जाएंगे जंप लगाया तो। चलो इनमें क्या क्या ये सारा सामान? हाँ नेट क्या था? नेट बंद कर दिया मेरा पापा जी के मार। अभी एक मिनट ये चेक करो हमारे ब्रशों का जुगाड़ कहाँ है, ब्रशेस आ गए क्या हुआ? ब्रशेस नहीं मिले होंगे ना बॉक्स में, देखो अंदर होंगे ये। हाँ सारे काउंट करके रखो मेरे जितने ब्रशेस हैं। ये आप कौन कौन से नंबर के कौन कौन सी कंपनी के यूज़ करती हैं? ये बहुत अच्छे आला कंपनी के यूज़ करती हूँ जो मुझे इजिली 100 रुपये में मिल जाते हैं। 100 रुपये वाली कंपनी है ये, और इनके चौकटे को सजा देती है वही। क्या हाँ ये किचन की किचन सीजर करके रख दो, सेट हो गया। और ये पिंक वाली भी सेट कर दूँ, ये मैं कर दूंगी छोड़ दो। पिंक वाली तुम नहीं करो, मैं कर दूँ। इसमें नीचे का सारा सामान ऊपर आ गया है और ऊपर का सारा सामान ना नीचे चला गया है। मैं कर दूंगी सेट छोड़ दो तुम्हें, ये मैं रात में बैठूंगी तो कर दूंगा। ये देखें ना अब ये भी मेरा खत्म पे आखिरी सांस ले रहा है। अब मैं मिस रोज का लूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर। कॉकरोच गिरेगा, ये कौन सी अकलमंदी है इसको ऐसे रखना, तो वो जाली मेरी कट जाएगी, हम कट जाए जाली ना कटे। अच्छा ना एक दिन तो रहने दो, चलो केक लेके आते हैं फर्स्ट, उसको डेकोरेट करते हैं।
निकालनी है मुझे, फट से मैंने निकाल के। देख लिया और अब तो सही मानो में हमें न्यू ईयर की वाइब्स आ रही है, सब कुछ सेट वेट हो गया, केक बन गया और बाकी चीज़ें क्या क्या कल की पार्टी में वो कल फिर आपको व्लॉग में दिखाते हैं। अभी जो है मैं जाऊँ चेंज करूँ ज़रा कपड़े, नाइट ड्रेस वगैरह पहनूँ ताकि मुझे भी थोड़ा रिलैक्स आए, मैं एक प्याली चाय पीऊँ, उसके बाद इसको पकड़ के मुझे लगानी है मेहंदी। इसकी मेहंदी कहाँ गई, यहीं मैंने रखी थी इसकी, ये इसके लिए मैं मेहंदी लेकर आई हूँ, तो फिर मैं इसको मेहंदी लगाऊंगी। और मुझे नींद आ रही है लेकिन नहीं सोने देगी। नहीं तो मेहंदी की जिद किसके लिए, पार्टी है, मेहंदी लगानी है, हर साल मेहंदी लगवाती है ये, तो इसको मेहंदी लगाती हूँ। अच्छा मेहंदी वाली क्लिप ना अब हम कल के ही ब्लॉग में आपको, उसमें मैं मेहंदी वाली क्लिप भी ऐड कर दूंगी आपके साथ। तब के लिए इजाजत दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए, इसके साथ ही इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।